जी हाँ, किसी के जहन में यही बड़ा सवाल कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार या फिर किसका बिहार। आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ, तो आपको जल्दी से बता देते हैं, बिहार में पहले फेज यानी पहले चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम घंटा है, यानी एक घंटा बाद पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। पहले चरण के लिए आपको ये भी बता देते हैं 28 अक्टूबर को वोट डाले जाने वाले हैं और उससे पहले आज शाम ये चुनाव प्रचार थम जाएगा। पहले चरण में अगर सीट्स की बात करें तो पहले चरण में 71 सीटों पर वोटिंग होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे पहले चरण के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपना पूरा जोर लगा दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने दोपहर 12 बजे औरंगाबाद के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 दिन में करीब 18000 गांव में बिजली पहुंची। मित्रों, मैं यही पढ़ा हूँ, मेरा बचपन यहाँ गुजरा है। अगर 2 घंटे भी बिजली आ जाती थी ना, 2 घंटे, आप लोगों को याद नहीं होगा, तो हम लोग कहते थे आई आई आई, और जब तक आई आई बोलते थे तब तक गई गई गई। और किसान उस समय जनरेटर लगा करके अपने पटाई का काम करता था और पंप चलाता था। 18000 गांव में बिजली पहुंचाई मोदी जी ने 1000 दिन के अंदर। फिलहाल जेपी नड्डा पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार ने महुआ में अपना चुनावी संबोधन दिया। पिछले चुनाव में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने यहां से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की। ऐसे में नीतीश कुमार की रैली से यहां की जनता पर कितना असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। आपकी शाम होने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती थी घर से बाहर जाने का, एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए सड़कों का इंतजाम नहीं। हमने अपराध पर भी नियंत्रण किया, और एक बात जान लीजिए, समाज में कुछ न कुछ तो गड़बड़ करने वाला रहता ही है। बिजली का क्या बुरा हाल था, शहर में भी बिजली नाम मात्र की, और गांव में तो बिजली का सवाल ही नहीं, लालटेन का जमाना रहा। अब आप समझ लीजिए, जो हम लोग बोलते हैं उसको करते हैं, और कुछ लोगों की आदत है बोलते रहो, करने की कोई जरूरत नहीं है, लोगों को ठगते रहो, भ्रमित करते रहो, गुमराह करते रहो। इधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी प्रचार के आखिरी दिन असदुद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। मुफ्त वैक्सीन को लेकर सियासत पर उन्होंने कहा कि जैसे सभी धर्मों के अकाउंट में पैसा आया है, वैसे ही वैक्सीन भी धर्म देखकर नहीं लगेगा। पूरे मुस्लिम समाज को ओवैसी जी जैसे लोगों ने, और इनके पहले भी बहुत लोगों ने, सिर्फ मिसलीड ही किया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो माइनॉरिटी समाज भी जागेगा, मुस्लिम समाज भी जागेगा। उसको पता है अगर सड़कें बन रही हैं, दूरियां घट रही हैं शहरों की, तो उसका फ़ायदा कास्ट और रीजन देख करके नहीं होता, और आगे वैक्सीन भी लगेगा तो वो धर्म देख के और जाति देख के नहीं लगेगा। जहां एनडीए के नेता अलग अलग जिलों में जाकर लोगों से वोट मांगने में जुटे हैं, तो विपक्ष के नेता भी एड़ी चोटी का जोर लगाकर जनता से सरकार बदलने की गुहार लगा रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी आज फुल फॉर्म में हैं। उन्होंने बीजेपी और जेडीयू पर जमकर हमला बोला और सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए उनकी पार्टी को वोट देने की अपील की। मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ता है तो उसमें भी आपको चढ़ावा देना पड़ता, तब जाकर 60-60 घोटाले हुए नीतीश जी के राज में। बिहार का 30,000 करोड़ रुपए का लूट हुआ। जो व्यक्ति को 15 साल मौका मिला, वो अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, रोजगार नहीं दे सकता, गरीबी नहीं मिटा सकता, भुखमरी नहीं मिटा सकता, पलायन नहीं रोक सकता इन 15 सालों में, घोटाले नहीं रोक सकता 15 सालों में, वो अगला 5 साल भी कोई काम नहीं कर पाएगा, कोई काम।
हालांकि आज एक दिन में तेजस्वी 13 रैलियां करने वाले थे, लेकिन हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की वजह से आज वो 6 जनसभाओं में ही जा सके। तेजस्वी यादव नालंदा में इस्लामपुर में रुके हैं और यहीं से बाकी की 3 सभाओं को फोन पर संबोधित कर रहे हैं। जाप नेता पप्पू यादव ने भी नीतीश कुमार पर कई घोटाले करने का आरोप लगाया। गड़बड़ी तो है ही, और एक आदमी जेल नहीं जाएंगे, सभी मंत्री जेल जाएंगे, इस मंत्रिमंडल के लगभग लोग जेल जाएंगे, और 30 साल में जो जो लोग लूटा है वो लोग भी जेल जाएंगे, एक आदमी जेल थोड़ी ना जाएंगे। कोरोना, सड़क, बिजली, जेल, ऐसे कई मुद्दों पर सियासत जारी है। फिलहाल आज 5 बजे के बाद पहले चरण के चुनाव प्रचार थम जाएंगे और पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को 16 जिलों की 71 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में जिन जिलों में वोट डाले जाएंगे उनमें बक्सर, कैमूर, भोजपुर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई और बांका जिले शामिल, जिसके बाद 2 चरण और होंगे और बिहार की किस्मत तय करेंगे। और 10 नवंबर को जाकर पता चलेगा कि इतनी सारी रैलियों से किसका भला होता है और अब की बार बिहार किसका होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जल्दी से आपको बता देते हैं, 16 जिले हैं, 71 सीटें हैं और वोटिंग होनी है 28 अक्टूबर को। पटना, भागलपुर, भभुआ, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर, गया, जमुई, बांका, जहानाबाद, अरवल, शेखपुरा, तो ये वो 16 जिले जिन्हें एक एक कर जी न्यूज आपको जिनके बारे में जानकारी दे रहा है, ये 16 जिले हैं जहां पर पहले फेज में वोटिंग होनी है। तो 3 फेजेस की कुल मिलाकर वोटिंग है, उसमें से पहले फेज की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार अब से बस थोड़ी ही देर बाद थमने जा रहा है। और बिहार चुनाव में आपको यह भी बता देते हैं कि महंगाई का मुद्दा गरमाता जा रहा है। आरजेडी ने प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोला है, क्या कहा सुनिए। महंगाई सबसे बड़ा इशू है, लोग ये बीजेपी वाले लोग जो हैं, ये प्याज का माला बीजेपी के लोग पहन के इनके घूमते थे। ये आप देखिए, अब इसका आंकड़ा जो है तकरीबन 100 रुपए के भी करीब पहुंचने वाला है। आप बताइए, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, लोगों के खाने के लाले पड़े हैं, भुखमरी बढ़ी हुई है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि छोटे मोटे जितने व्यवसायी थे इस कोरोना काल में नोटबंदी के समय, सब लोग जो है व्यापारी तंग हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। ये लोग जो प्याज का रोना जो लोग रोते थे, 50 रुपए हो जाता था, 60 रुपए हो जाता था, लेकिन अब तो 80 के पार चला गया है ये, तो अब कहाँ है ये लोग। तो कोई महंगाई की बात कर रहा है, बेरोजगारी की बात लगभग हर दल कर रहा है, ग्राउंड पर क्या हो रहा है। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त साथ में हैं, रवि त्रिपाठी हमारे साथ और ब्रजेश भी हमारे साथ। रवि, पहला सवाल आपसे, और सवाल ये कि आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लोग जब अपनी वोट को लेकर फैसला ले रहे हैं तो उनके जहन में क्या है? उनके जहन में पार्टी है, उनके जहन में लोकल कैंडिडेट है, या फिर उनके जहन में चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट है? देखिए, तमाम सारी बातें हैं लोगों के जहन में, विकास की बात भी है, बेरोजगारी की बात भी है, बदहाली की बात भी है, और उनको ये भी लगता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो उनके लिए बेहतर होगा। 2 तरह की बात है। देखिए, नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी जबरदस्त है, लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर थोड़ा डर भी है लोगों के मन में है, तो दोनों अलग तरह तरह की बातें आ रही है लोगों के मन में। लोग जो लोकल कैंडिडेट है, खासतौर पर जो सिटिंग MLA हैं, जो 2-2 बार, 3-3 बार से चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन कुछ किया नहीं है डेवलपमेंट, उनके खिलाफ एंट्री इनकम्बेंसी भी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं RJD जो कार्यालय है पटना में उसके बाहर खड़ा हूँ, और RJD के तमाम लोग उन्हीं से बात करते हैं कि इनको क्या लगता है, चुनाव प्रचार फर्स्ट फेज का खत्म होने वाला है, लोग कह रहे हैं कि भाई किसको पार्टी को वोट देंगे, अभी तक अनिश्चितता है कई लोगों के मन में, अभी भी है, आपकी पार्टी को लेकर डर है, उनसे नाराजगी बहुत है, लेकिन आपकी पार्टी को लेकर डर भी है कि 2005 से पहले का माहौल ना हो जाए, आपको लगता है ये डर है जनता में? नहीं, मेरा कहने का मतलब कि क्या गरीबों की बात करना, गरीबों को सम्मान देना क्या जंगल राज होता है क्या? इन लोगों तो बिना मतलब का आरोप लगाने काम किया। पहला आप भी आगे आइए। और सवाल यह है कि ये जो कह रहे हैं बिहार की जनता, 6 महीना पहले मूड बना लिया है परिवर्तन की, बदलाव की,
और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की जनता और खास के बेरोजगार मजदूर किसान महिलाओं से बात करते हैं। महिलाओं में कहते हैं कि बड़े डर रहता है कि 2005 से पहले की स्थिति बिहार में ना हो जाए। तेजस्वी यादव को लेकर इस बात का डर है, आप लोग आरजेडी के लोग हैं, आपको लगता है कि वो डर खत्म हुआ है लोगों के अंदर से? बिल्कुल बिल्कुल डर खत्म हो चुका है, क्योंकि नई पीढ़ी है, नई सोच है, नई बातें हैं और हम सशक्त हो गए हैं, महिलाएं भी सशक्त हुई हैं, पहले वाली बात बिल्कुल ही नहीं है। आपको लोग क्यों वोट देंगे आपकी पार्टी को बताइए? हमको वोट इसलिए देंगे कि तमाम जनाधार और जनता बेरोजगारी का ब्रिजेश भी हमारे साथ है। फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले एक सवाल जो कई पॉलिटिकल पंडित को परेशान कर रहा है, वो सवाल ये जिसका जवाब अब फिलहाल उनके पास नहीं है, एलजेपी का एनडीए से अलग हो जाना कितना बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है इन इलेक्शंस में? देखिए, कई लोग ये कह रहे हैं अदिति कि वो कहीं ये ऐसा ना हो जाए कि जैसे झारखंड में सुदेश महतो एन वक्त पे अलग हो गए थे, सीट उनको सही सीटें नहीं मिली और सुदेश महतो अलग हो गए, और जब नतीजे आए तो सुदेश महतो एक बड़े फैक्टर थे और लोग ये सोचने पे मजबूर हुए कि अगर सुदेश महतो साथ रहते तो निश्चित रूप से झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बन जाती। तो ये डर कहीं ना कहीं है, क्योंकि एक बात साफ है अदिति कि नीतीश कुमार को लेकर वो पुरानी बातें नहीं है जो 2005 में हुआ करती थी। उनके लिए एक उत्साह होता था, लोग उनको मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, वो चीज़ें 15 साल में कम हुई हैं, बिल्कुल खत्म हुई हैं, क्योंकि लोग जो हैं अब बदलना चाहते हैं। लेकिन स्थिति ये है कि बदल के सामने किसको रखना चाहते हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि आरजेडी की सरकार बन जाए, क्योंकि उनको उनके उनकी यादों में 15 साल पुराना जो है वो भी राज याद है। लेकिन जो कुल मिला के यही कन्फ्यूज़न की स्थिति है, और पहली बार हम ये देख रहे थे कि परिवार में ही डिवाइडेड है सब लोग, पत्नी किसी दूसरी पार्टी को चाह रही है, पति कोई दूसरा पार्टी चाह रहा है, बच्चा कोई दूसरा पार्टी चाह रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जब परिवार में ही डिवीज़न हो तो कन्फ्यूज़न की स्थिति ज़्यादा हो गई है, और यही वजह है कि कोई भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि सरकार किसकी बनने जा रही है। लोग दावे भले करें, फिलहाल आपको रोकूंगी। ब्रिजेश, आपका, रवि, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही ग्राउंड से तस्वीरें और जानकारी हमारे दर्शकों तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।